For Indian National Congress. Indian National Congress. अभी सरदार कम्युनिटी भेंट स्वरूपा दे रही है और इसके बाद मैं आप सबसे कहूंगा कि खाना बनाए उस तरफ, आपने खाना भी खाना है और इसके बाद अयाज साहब फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी सरदार कम्युनिटी भेंट स्वरूपा दे रही है और इसके बाद मैं आप सबसे कहूंगा कि खाना बनाए उस तरफ, आपने खाना भी खाना है और इसके बाद अयाज साहब शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी सरदार कम्युनिटी भेंट स्वरूपा दे रही है और इसके बाद मैं आप सबसे कहूंगा कि खाना बनाए उस तरफ, आपने खाना भी खाना है और इसके बाद अयाज साहब शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक शताब्दी मनाई जा रही थी सौ साल उनके जन्म की। मैं एसपी कॉलेज कश्मीर में पढ़ता था और पूरे देश में गांधी स्मारक निधि जो दिल्ली में हेडक्वार्टर था उसके द्वारा पूरे देश में 15 दिन के समारोह मनाए जा रहे थे और नॉर्दर्न इंडिया का 15 दिन का जो समारोह था, जो सेलिब्रेशन को समझा, खादी शुरू की और गांधी पर लेक्चर 15 दिन सुनने को मौका मिला और तब से उनकी विचारधारा हमारे दिमाग में चली गई, क्योंकि स्कूल का और कॉलेज का ऐसा समय ही पार्टी के नेताओं का बहुत प्यार रहा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मेरे साथियों ने सब चीजें बताई हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इनको सबको वापस भी जाना है, लेकिन खाना खा के जाना। और अभी लड़ाई बाकी, मेरे साथियों ने कहा कि अभी सेकंड आजादी की बात, और राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। राजनीति में हम लड़ाई करते हैं बेकारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, अभी हम पूरा देश और पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक साल से बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, जहाद कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें कई चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये पहाड़ी इलाका और हिंदुस्तान के एक सिरे पर है जहां हिंदुस्तान मुल्क खत्म होता है और पाकिस्तान और चीन की सरहदें शुरू होती है, हमारे दुश्मन की सरहदें शुरू होती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी दूसरे देश के कई प्रांतों से कई गुना ज्यादा। वैसे तो बहुत सारे प्रांत हैं जो बॉर्डर से मिलते हैं, राजस्थान मिलता है, गुजरात मिलता है, नॉर्थ ईस्ट पंजाब मिलता है, लेकिन यहां दुश्मन बहुत एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 1947 से लेकर अभी तक यहां हम बैठे, अभी तनाव बराबर जारी है और कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी चाइना की तरफ से कई लड़ाइयां भी हुई। आपस में मोहब्बत रखे, आपस में प्यार बांटे और साथ साथ मिलके दुश्मन का भी मुकाबला करें, और हम दुश्मन का तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे। अगर हम आपस में बटे होंगे धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद, मैं बार बार पार्लियामेंट में कह चुका हूं, सरकार को, आज की सरकार, आप हुकूमत में आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में, लोकतंत्र में
जमहूरियत में हर पार्टी को हुकूमत बनाने का हक, लेकिन सिर्फ धर्म की नाम पर नहीं, आप सबको लेके चलो। जैसे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस आजादी हासिल नहीं करता अगर उसमें सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग नहीं होते। सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग थे, सभी प्रांतों के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, पत्रकार थे, किसान थे, मजदूर थे, तजारत करने वाले लोग थे, तब जाकर हिंदुस्तान को आजादी। और ये बॉर्डर एरियाज हमने इंदिरा गांधी से यही सीखा कि जितने भी लोग बॉर्डर पर रहते हैं उनकी जितनी भी मदद करो, उनको बांटो नहीं, उनको जोड़ो, उनको इकट्ठे करो, उनकी दिल की धड़कने समझो, क्योंकि वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस, पिछले 1.5 साल हम सबको बिखेर दिया, स्टेज के हिस्से हो गए, कोई टुकड़ा इधर गिरा, कोई इधर गया, आज हम बांटे हुए हैं अलग फिरकों में, तबकों में, बेकारी अपने उरूज पे है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, लाखों नौजवान पीएचडी करके, लॉ करके, एमए एमएससी करके बेकार और बेरोजगार है, लाखों लोगों के बच्चों ने छोटी जमीन, मैं सुबह अपने साथियों को बता रहा था,